वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर मनदीप कौर पन्नू। आज की जो मेरी ऑडियो है, साइप्रस सिंगापुर नैनीज जो हैं वो कनाडा जाने को मूव होने को तैयार होती हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि हम कैसे मूव करें, न्यू रूल्स क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे और हमारी फाइलिंग क्या लगेगी। वो कुछ मिस्टेक्स भी कर देती हैं, जैसे अब जो सिंगापुर में नैनीज हैं, काफ़ी नैनी जा चुकी हैं वहाँ सिंगापुर में, उनके पास एक्सपीरियंस भी हो गया, उन्होंने पार्ट टाइम नैनी का कोर्स भी कर लिया, क्योंकि मेरे पर काफ़ी लोगों से कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं कि हमने वहाँ कोर्स भी कर लिया है, हम एलिजिबल भी हैं, हम ग्रेजुएट हैं और साइप्रस नैनी भी हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो कनाडा मूव होना चाहती हैं एज ए नैनी, और अपना फ्यूचर कनाडा में उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर सेट हो गया, यानी कि साइप्रस नैनी और सिंगापुर नैनी इज़ मूव टू कनाडा फ्यूचर के लिए, तो उनको ये नहीं समझ आता हमने क्या करना है। अगर आपके पास कोर्स है नैनी का सिंगापुर साइप्रस में और आपकी एलिजिबिलिटी बनती है पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंडरी ग्रेजुएट की, तो आप एलिजिबल हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है कि ये क्या है, ये प्लस टू के बाद कोई भी ग्रेजुएट जो कनाडा गवर्नमेंट इसे इक्वल करती है पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंडरी एजुकेशन जो कनाडा इसको इक्वल करती है, अगर आप ग्रेजुएट ले आए तो उसने उसको इक्वल उसके अकॉर्डिंग करा तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि अगर हमने मूव करना है कनाडा के लिए, हमारे पास सारा कुछ रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है सर्टिफिकेट, हमारे पास सॉरी नैनी का कोर्स भी है, एक्सपीरियंस भी है और हमारे आईएलटीएस में बैंड भी हैं 6-5 बैंड जनरल में, और हमारे पास एम्प्लॉयर भी है, पर अब हमें फाइल में क्या दिक्कत आ रही, ई सी यानी कि वैस और आईकास हमें करानी चाहिए। अगर वैस आपकी हो सकती है तो आप कराइए, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप वैस मैं भी करती हूँ, तो ECA और वैस करने के ECA अगर आपने करनी हो अपनी क्वालिफिकेशन की तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वो भी मेरी उसकी भी मेरी सर्विस होती है ECA की, उसके मैं चार्ज लेती हूँ। तो ECA कंपल्सरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ECA करवानी पड़ेगी, यानी कि वैसे अपने डॉक्यूमेंट्स की करवानी पड़ेगी, जो अगर आपने हैं क्वालिफिकेशन तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सिंगापुर साइप्रस और इंडिया में भी कोई नैनी है तो उसे ECA जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपकी फाइलिंग नहीं लगेगी। तो अगर आप ECA अगर एक्सपर्ट से कराते हैं तो वेल एंड गुड है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, क्वालिफिकेशन है आपके पास और एक्सपीरियंस है, नैनी का कोर्स भी करा है, तो इसी ECA करवाइए और जॉब ऑफर है तब आपकी फाइलिंग लगेगी, उससे पहले फाइलिंग नहीं लगेगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो ECA करानी इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ओवर नैनी, जितनी भी नैनीज हैं उनके लिए कंपल्सरी है, तभी आपकी फाइलिंग लगेगी। ये नया रूल्स आया है, इसके लिए एलिजिबिलिटी ये बन चुकी है कि आपकी ECA आपकी डॉक्यूमेंट होगी, क्योंकि आपके वैल्यूएट करे जाते हैं, चाहे आपने BA करी हो, चाहे MA करी हो, BEd करी हो, जितनी भी करी हुई हैं उसकी सारी वैल्यूएट कराइए, वैल्यूएट करा के 5 years के लिए वैलिड है, और ये जो प्रोग्राम है नया न्यू रूल्स ये 5 years सारी नैनीज के लिए इम्प्लीमेंट होएगा, लागू रहेगा 5 साल के लिए, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता किसी सिंगापुर नैनी, साइप्रस नैनी को या इंडिया में नैनी को, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैं उनको जितना हो सके प्रोसेस और जितनी काउंसलिंग है वो सारी उनको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी, उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो ECA करनी इसे कंपल्सरी फॉर सिंगापुर नैनी एंड साइप्रस नैनी। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, जबकि आपको नई अपडेट्स मिल चुके तो बेल कंट्री को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।